हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ पटेटो सूजी नगेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इन नगेट्स को बनाना बहुत ही आसान है और कम समय में आप ढेर सारे नगेट्स बना करके तैयार कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़ों, सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पटेटो सूजी नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले पैन में, यहाँ मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन से नगेट्स का फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। तो इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1.5 कप पानी। तो यहाँ मैंने 1 कप डाल दिया और ये 1.5 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो ऐड कर दिया है। आप कोई भी पिज़्ज़ा सीजनिंग इसमें डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप चाहें तो ऑरिगेनो के बगैर भी इसे बना सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पानी में उबाल आने का वेट करेंगे। तो जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 कप एकदम बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे मिक्सर में चलाकर उसको फिर बारीक कर लीजिए। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे, देखेंगे कि सूजी पानी को एब्जॉर्ब करती जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो ये देख सकते हैं, एकदम डो के शेप में आ गई है सूजी। इतना ही हमें कुक करना है। अब इसी स्टेज पर, यहाँ देखिए, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे और इसे 5 से 10 मिनट हम छोड़ देते हैं हल्का सा फूलने के लिए। तो ये देखिए, 10 मिनट के बाद यहाँ मैंने सूजी को निकाल लिया है। ये अभी हल्की हल्की सी माइल्ड गर्म है, ये देखिए। एकदम ठंडी भी नहीं करना है हमें सूजी को, नहीं तो मैश करने में दिक्कत होगी। अब इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं उबले हुए, जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने से आलू बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिया ऐड कर देंगे और बाइंडिंग के लिए 1 बड़ा चम्मच यहाँ मैं बेसन डाल रही हूँ। आप चाहे तो चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब हाथों में हम तेल लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से मैश करके इसका हमें एकदम स्मूथ सा डो बना लेना है। ये देख सकते हैं, इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी ये हाथों में हल्का सा चिपक रहा है, तो इस स्टेज पर हम इसमें 1 छोटा चम्मच तेल वापस से ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ये देखिए, एकदम नॉन स्टिकी डो सा तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल भी हाथों में अब स्टिक नहीं हो रहा है। तो अब हम नगेट्स बनाएंगे। तो जिसके लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है और प्लेटफॉर्म पर ऑयल लगाकर इसे हम इस तरह से रोल करते जाएंगे। तो बेसिकली हमें इसका एक लंबा सा रोल तैयार करना है। ये देख सकते हैं, इस तरह से लंबे लंबे रोल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। थिकनेस आप देख सकते हैं इसकी, तो ज़्यादा मोटे नहीं रखेंगे, नहीं तो नगेट्स फ्राई होने में टाइम लग जाएगा और अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। और ये देखिए, छोटे छोटे शेप्स में यहाँ मैंने इसे कट कर रही हूँ। इक्वल शेप में कट ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में काफ़ी सारे नगेट्स बन करके तैयार हो जाते हैं। ये देख सकते हैं, अब इसे थोड़ा सा हम परफेक्शन देने के लिए, ये देखिए, ऊपर और नीचे के जो एंड पॉइंट है उसको हल्का हल्का सा हम टैप कर लेंगे। और ये देखिए, हाथों से हल्का सा इवन कर लिया है और ये हमारा परफेक्ट नगेट बन करके तैयार हो गया है। और ठीक इसी तरह से बाकी नगेट्स को भी हम हल्का हल्का सा इनका शेप ठीक कर लेंगे। ये देख सकते हैं, तो काफ़ी सारे नगेट्स तैयार हो गए हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, तो ऑयल को हमें मीडियम गरम रखना है और मीडियम फ्लेम रखते हुए ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 7 से 8 मिनट का समय लग जाता है। ये देखिए, हल्का हल्का सा रोटेट कर देंगे ताकि ये नीचे तली से चिपके नहीं, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और जब हल्के हल्के से ये फ्राई होने लगेंगे तब इन्हें उलट पलट करते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ये सिक जाएं और ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाएं अच्छी तरह से। तो ये देखिए, नगेट्स बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुके हैं। इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ये देख सकते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। इनका शेप भी बहुत क्यूट होता है, तो बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये देखिए, एक बैच हमारा बन करके तैयार हो गया है नगेट्स का, और बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्बिंग नहीं है। आप देख ही सकते हैं, एकदम ऑयल नहीं है इनके ऊपर और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से तो एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होती हैं। तो लीजिए दोस्तों, झटपट से बन करके तैयार है आलू और सूजी के नगेट्स। इन्हें आप बच्चों को सर्व करेंगे ना तो बच्चे हैरान हो जाएंगे और आपकी मिनटों में प्लेट साफ़ हो जाएगी। ये देख सकते हैं, कितने ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।